आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि गिट नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कैसे होगा और गिट हब पे हम अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो हमें चले जाना चाहिए पहले गिट पे। क्या आ रहा है ये? गिट DOW डाउनलोड। इस पहले वाले लिंक पे मैं आ जाऊंगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज़, क्लिक कर दिया मैं इस पे। ये पूछ रहा है 32 बिट 64 बिट क्या सही है, तो आपके पास जो कंप्यूटर हो उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लो। मैं 64 वाला करता हूँ। इस पर क्लिक किया तो ये डाउनलोड होने के लिए आ गया, लेकिन मेरे पास ये देखो पहले से है तो मैं डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ। इस पर हम ये देखो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब डाउनलोड तो कर लिया हमने, अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो इस पर डबल क्लिक करिए आप और रन कर दीजिए। जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ही होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। यस यस पे मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जो भी है जैसा भी है मैं छोड़ देता हूँ वैसे ही। मैं कुछ रिकमेंडेड जो दिखा रहा है मैं वैसे ही करता हूँ, इसमें कुछ भी मैं चेंजेस नहीं कर रहा, सिर्फ नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर दूंगा मैं। चल भाई हो भी जा। हाँ होना शुरू हो गया इंस्टॉल। तो अब देखते हैं इंस्टॉल कैसे होता है। तो हमारा इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट होने ही वाला है। ये देखो हो जा हो जा। अरे हो भी जा, पता नहीं यार टाइम। हाँ हो गया इंस्टॉल। इस पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखो राइट क्लिक में मैं करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है गिट यूज़र इंटरफेस, गिट बैश। गिट बैश पे मैंने क्लिक किया और ये आ गया। ये देख लो आप, रेडी हो गया इंस्टॉल हो करके। तो उतने देर से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे डाउनलोड करने के लिए, वो यही सॉफ्टवेयर है गिट नाम का। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब आ जाते हैं गिट हब पे अकाउंट बनाने, कैसे बनेगा। चलिए गिट और सर्च कर दूंगा। आ गया। इस पहले वाले लिंक पे ही मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है, साइन अप पे मैंने क्लिक किया। आपका अकाउंट पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि पहले से नहीं है तो बना लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ा है बनाना। तो चलो मेरा ये ईमेल है, मेरे को याद नहीं रहता है तो मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे और पेस्ट कर दूँगा। ईमेल आ गया, कह रहा है पासवर्ड बनाओ SEMANT। मैंने पासवर्ड बना दिया तो कंटिन्यू बटन पे मैं क्लिक करूँगा। कह रहा है यूज़र नेम तो मैं यूज़र नेम भी बना देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है यूज़र नेम नॉट अवेलेबल, 002 कर देता हूँ मैं, ये अवेलेबल है। चलो कंटिन्यू। जैसे ही मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँगा, 002 इज अनअवेलेबल, ये क्या मजाक हो रहा है। तो इसको मैं कर दूंगा कंटिन्यू पे क्लिक। अब ये कह रहा है कि जी रिसीव करना है एक्नॉलेजमेंट, कर दिया करना इच्छा हो तो, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि वेरीफाई योर अकाउंट, थोड़ा देर वेट करते हैं जब तक ये लोडर चलता है। तो हमारे पास सामने अब टिक का ऑप्शन आ गया, मतलब हमारा हो गया। क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक कर देते हैं और जैसे ही अनेबल टू, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये, अब जो भी बोल रहा है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर बोल रहा है पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड डाल दूंगा। कह रहा है एक्नॉलेजमेंट के लिए, दे दिया करना है एक्नॉलेजमेंट मर्जी हो तो। फिर से वेरीफाई और अकाउंट कर रहा है तो फिर से कर लेते हैं वेरीफाई। चलो भाई वेरीफाई कर लो। ये कुछ पजल हमारे सामने लगता है आएगा अब। तो मैं नीचे आया और कुछ पजल मेरे सामने आ रहा है। प्रोटेक्ट योर अकाउंट, प्लीज़ सॉल्व पजल। थोड़ा वेट करते हैं क्या पजल सामने आता है। वेरीफाई क्लिक कर दिया मैं वेरीफाई पे। अब आ रहा है तो जिधर उंगली है उधर ही हमें डायरेक्शन में। ओ नो,
इधर है, ट्राई अगेन, मूव हो जा, इधर करना था, सबमिट, तो इसका हैंड इधर, हेलो, हो गया, चलो सबमिट कर देते हैं, डन, पजल हमारा सॉल्व हो गया। उंगली का निशान जिधर था उधर ही हमें रोटेट करना था। अब कह रहा है जी हमने भेजा है इसमें कोड, तो कोड आप डालो। तो ये देखिए मैं अपने अकाउंट में ओपन किया और ये कोड है कुछ सिंपल, करते हैं कॉपी और इधर कर देते हैं पेस्ट, और हमारा अकाउंट बन करके रेडी हो चुका है। अब कह रहा है यूज़र नेम या ईमेल डालो, तो ईमेल लंबा मेरे से डलाएगा नहीं, यहाँ पे 3 डालता हूँ, ये मेरा यूज़र नेम था, और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और कर देता हूँ साइन इन पे क्लिक। अब हमारा अकाउंट जो है बन के रेडी हो चुका है। अब ये कह रहा है वर्किंग विथ, एक दो मैं कर लेता हूँ, स्टूडेंट कंटिन्यू, ये पहला बार है इसलिए ये सब करना पड़ रहा है, दोबारा नहीं, ज्वाइन कोलेब्रेशन, हट, यहाँ से हमें कुछ ज़रूरत नहीं है इन सबको करने की, हम सीधा आएंगे। क्या बोल रहा है, मेरे को फ्री चाहिए, आप लोग पढ़ते लिखते रहना क्या कह रहा था वो, मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारा अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट ए न्यू रिपोजिटरी, यूज़र नेम ये सामने आ रहा है, तो रिपोजिटरी का नाम लिखे क्लिक क्रिएट करेंगे तो रिपोजिटरी बन जाएगा, पर रिपोजिटरी क्या होता है कैसे होता है देखेंगे अगले एपिसोड में। अब तो इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का। थैंक यू।